ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के 16वें सीजन में छठी हार का सामना करना पड़ा। उसे शनिवार 29 अप्रैल को होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइज हैदराबाद ने 9 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम ने दिल्ली के खिलाफ लगातार 5 हार के क्रम को तोड़ दिया। सनराइजर्स को दिल्ली पर पिछली जीत 2020 में मिली थी। सनराइजर्स ने मैच को अपने नाम कर सीजन में तीसरी जीत हासिल की। उसके 8 मैच में 6 अंक हो गए हैं और वह 9वें से 8वें नंबर पर पहुंच गई। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल की सीजन में यह छठी हार है। उसके 8 मैच में 2 अंक ही हैं और वह सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। अब दिल्ली की प्लेऑफ में पहुंचने की राह काफ़ी मुश्किल हो गई है। उसे अपने बाकी बचे 6 मैचों में जीत हासिल करनी होगी। ऐसा होने पर ही उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी। सनराइजर्स कप्तान एडन मार्कम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 197 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। सॉल्ट और मॉर्स ने की शतकीय साझेदारी। दिल्ली के लिए मैच में फिलिप सॉल्ट और मिचेल मॉर्स ने अर्धशतकीय पारी खेली। मॉर्स ने 63 और सॉल्ट ने 59 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने तेजी से 14 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके, खाता नहीं खोल सके। डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर इस मैच में खाता नहीं खोल सके। वह पहले ही ओवर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। सॉल्ट और मॉर्स ने टीम को पटरी पर तो ला दिया, लेकिन मध्यक्रम ने एक बार फिर से निराश किया। मनीष पांडे, प्रियम गर्ग और सरफराज खान फेल। दिल्ली के मध्यक्रम की बात करें तो मनीष पांडे 1, प्रियम गर्ग 12 और सरफराज खान 9 रन बनाकर आउट हुए। रिपल पटेल ने 8 गेंद पर नाबाद 11 रन बनाए। हैदराबाद के लिए मयंक मार्कंडे ने 2 विकेट ली। भुवनेश्वर कुमार, अकेल हुसैन, टी नटराजन और अभिषेक शर्मा ने एक एक सफलता अपने नाम की। अभिषेक और कलान सेन की तूफानी पारी। हैदराबाद की बात करें तो उसके लिए अभिषेक शर्मा और हेनरिक कलान सेन ने 68 पारी खेली। अभिषेक ने 36 गेंद पर 67 और कलान सेन 27 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए। अब्दुल समद ने 21 गेंद पर 28 और अकील हुसैन ने 10 गेंद पर नाबाद 16 रन का योगदान दिया। नहीं चला राहुल मार्कम और मयंक का बल्ला। राहुल त्रिपाठी ने 6 गेंद पर 10 रन बनाए। कप्तान एडम मार्कम ने 8 और मयंक ने 5 रन ही बनाए। हैरी ब्रुक खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली के लिए मिचेल मॉर्स ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा को एक सफलता मिली।